असल गायज़ वेलकम बैक टू माई नदर व्लॉग आई होप सब ठीक ठाक होंगे अलहमदिल्ला मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ तो दी स्टार्ट करते हैं अपना हाउस टूर और ये है सारा मेरा स्ट्रीट व्यू जो मैं आपको अभी दिखा रही हूँ बेसिकली माई हाउस इज़ अ टाउन हाउस वी हैव थ्री रूम्स एंड फोर एंड हाफ वॉशरूम्स एंड दिस इज़ द मेन एंट्रेस ऑफ माई हाउस ये सारा ऐसे और साथ में दो अटैच जो हैं वो पार्किंग्स होती हैं यहाँ पे ऐसे और ये सारा स्ट्रीट व्यू है मैं पहले भी इस काफ़ी सब ब्लॉक्स में आप लोगों को दिखाती रहती हूँ और ये जो ग्रास वगैरह सारा कुछ है सारा सिस्टम यहाँ पे जो है ग्रास का भी जैसे समर आ रहा है तो ये सारा कुछ हमें खुद ही कट करना होता है दिस इज़ आवर रिस्पॉन्सबिलिटी क्योंकि ये हमारे एरिया में होता है कोई गवर्नमेंट वगैरह इसको कट नहीं करती जो ये आप ये ट्रैक देख रहे हैं ट्रैक और वो जो उधर गार्डन है वहाँ पे आ, जो है वो गवर्नमेंट करती है और उसके लिए हमें मंथली जो है वो चार्ज होता है तो जी आ, मेरे घर को लगती हैं दो एंट्रेसेस जो कि ये एक फ़्रंट एंट्रेस है और एक एंट्रेस जो है वो बैक साइड से है वो मैं आपको दिखाती हूँ जो कि हम यहाँ से जा रहे हैं मैं यूजुअली मूसा को इसी रास्ते से जा बाहर की तरफ स्कूल छोड़ने जाती हूँ क्योंकि ये इस तरफ से हम लोग बाहर मेन रोड की तरफ़ जाते हैं तो ये सारा एरिया जो आप देख रहे हैं जहाँ से मैं चल के जा रही हूँ इस ये जा रहा है हमारे घर की बैक की तरफ और ये आगे स्टेप्स ये थोड़ा सा डाउन हिल है तो मुझे इधर से नीचे जाना पड़ेगा ये सारे घरों की बैक साइड होती है ये यहाँ पे ऐसे सारे बैक होते हैं और ये जो है ना दिस इज़ माई बैक बैक साइड ऑफ माई हाउस और यहाँ पे ये डोर है जो कि मैंने लॉक किया हुआ अंदर से क्योंकि ऑफ कोर्स कोई भी खोल के जा सकता है वोट का ये लॉक है अंदर से और ये डोर जो है वो अटैच होता है बेसमेंट के साथ और ये ऊपर मेरा डेक एरिया जो कि लिविंग रूम के साथ अटैच होता है तो ये आगे सारा बैक का व्यू यहाँ पे घरों की बैक साइड जो हैं वो सारी ऐसे होती हैं बैक का व्यू सारा और ये ऊपर डेक है और अब मैं इसी रास्ते से मैं इधर से भी घर एंटर हो सकती हूँ लेकिन मैंने अंदर से इसको लॉक किया हुआ है क्योंकि ये बेसमेंट के साथ अटैच होता है तो अभी मुझे वापस जा रही हूँ मैं अब हम मेन एंट्रेंस से एंट्रेंस लेंगे घर की तरफ और ये सारा स्ट्रीट व्यू है दीज आर बेसिकली ऑल द टाउन हाउस तो अब मैं वापस से एंट्री लूँगी अपने मेन डोर से और कितना क्लियर स्काई है मौसम यहाँ पे अभी भी मॉर्निंग में जो है ना ठंडा होता है मॉर्निंग uh, में भी और नाइट में भी जस्ट मिड ऑफ द डे थोड़ा सा आपको वार्म फील होता है अदरवाइज ओके okay, जी तो ये आ गई हमारी मेन एंट्री जहाँ से मैं अब एंटर होने लगी दिस इज़ द मेन एंट्रेंस Close the door. और अंदर आकर सबसे पहले आपने अपने जूते चेंज करने हैं क्योंकि मैं दूसरे शूज पहन के गई थी और एंट्रेंस पे सबसे पहले मेरा ये शू रैक है साथ में मेरा ये स्टैंड है क्योंकि वेदर यहाँ पे ऐसा है कि जैकेट के बगैर जो है वो गुजारा नहीं है और ये स्टेयर्स इधर से ऊपर जा रही हैं रूम की तरफ क्योंकि सारे रूम जो है वो ऊपर हैं और ये सारा नीचे लिविंग एरिया है ये आगे कॉरिडोर और साथ में आगे गया किचन जो कि मैं आपको दिखाती रहती हूँ और ये सामने खड़े होकर मैं वीडियोस बना रही होती हूँ ये सारा किचन है और किसी ने मुझसे पूछा था कि आपके पास दो फ्रिज क्यों हैं वैसे मैंने कभी बता नोट किया तो नहीं रिकॉर्ड बट मैं आपको बता देती हूँ कि आ, वन आई गॉट मैरिड तो मैं और मेरी सिस्टर इन लॉ हम इकट्ठे रहते थे तो ऑफकोर्स तो, दो फैमिलीज थी तो एक वो यूज़ करती थी और एक मैं यूज़ करती थी इसलिए मेरे पास दो हैं तो इस तरफ से ये किचन से हम एंट्री लेंगे लिविंग एरिया की तरफ जो के साथ ही आ, पहले आती है डाइनिंग टेबल डाइनिंग दा, एरिया है और ये मेरी फ्रिज आ गई साथ में और छोटा सा आ, लिविंग एरिया है साथ में कुछ मैंने कैबिनेट्स और ड्रॉर्स वगैरह रखे हुए हैं मैं, सेविंग के लिए और ये पानी रखा हुआ है सो रही थी तो मैंने सोचा मौके का फ़ायदा उठा लूँ और मैं वीडियो बना लूँ ये उसका कैमरा चल रहा है और तो ये आ, गया हमारा लिविंग एरिया छोटा सा है और ये बच्चों के टॉयज़ मैंने इधर साइड पे रखे हुए हैं सारे टॉयज़ हैं बच्चों के क्योंकि यहाँ पे सारे टॉयज़ हैं वो मैंने इंडोर ही रखे हुए हैं आप जैसे कि मौसम अच्छा होना शुरू हो गया तो मैं बाहर भी ले जाऊँगी और क्योंकि यहाँ पर कोई इतनी एक्टिविटीज़ तो होती नहीं तो बच्चों को घर में ही कहलाना होता है और मेरे पास तो बहुत ज़्यादा टॉयज़ है जो कि मैंने बेसमेंट में भी रखे हुए हैं ये सिर्फ अभी वो है जो उनके करंट फेवरेट हैं और ये सारा एरिया इस तरह लिविंग एरिया का है वो इधर से किचन स्टार्ट हो रहा है और ये इधर से बाहर आप कॉरिडोर में जा रहे हैं और ये आ गया मेरा डेक एरिया आप जहाँ से मैं अक्सर बादल और मौसम की वीडियोस बना के आप लोगों के साथ शेयर कर रही होती हूँ तो जैसे अब मौसम थोड़ा सा अच्छा हो गया तो मैंने जैसे स्लाइड बच्चों का ग्रास कटर मूसा की साइकिल और ये गारबेज बेंस ये सारे इधर ऐसे और ये इधर से बाहर का सारा व्यू है ये मैं आपको दिखाती हूँ ये देखें ये वो डोर जो मैं ओपन करी थी ये हमारा अटैच होता है और ये पीछे सारा बैक यार्ड और ये नेबरहुड सारा ये सारा व्यू तो ये आ गया हमारा बैक यार्ड और डेक एरिया और इधर से मैं वापस जा रही हूँ वॉशरूम जो है वो ये एक डोर वॉशरूम का है और एक डोर जो है वो नीचे बेसमेंट की तरफ जा रहा है तो ये आ गया वन एंड हाफ वॉशरूम लेट मी तो ये एक हाफ वॉशरूम है यहाँ पे और ये आ गई मैं <laughs> तो ये ऐसे है सारा सिस्टम और मैं आपको बेसमेंट भी दिखाती हूँ ये डोर जो है टू डोर्स हैं ये डोर जो है वो बेसमेंट में अटैच होगा अच्छा चलते हैं बेसमेंट में ओके तो कोरिडोर में हमारी एक क्लॉज भी है जहाँ पर मैंने सारी जैकेट्स वगैरह रखी हुई है, हैं जो बाहर जाने के लिए क्योंकि यहीं से आप लोग अपनी जैकेट्स वगैरह बच्चों की मेरी ये वो जैकेट्स हैं जो रेगुलर यूज़ होती हैं क्योंकि सब वेदर जो है यहाँ पे मोस्टली ज़्यादातर ठंडा ही होता है तो ये एक क्लॉज़िट है और अंदर इसके अंदर भी मैंने एक शू रैक रखा हुआ है इसमें सारे विंटर शूज़ हैं और दूसरी तरफ जो बाहर यूज़ हो रहे हैं वो सारे समर हैं क्योंकि विंटर और समर को दोनों को अलग-अलग हर स्टाफ जो है यहाँ पे हमें डिफरेंटली रखना पड़ता है विंटर का समर का तो इसलिए और ये सारे टॉयज में बस जो है ना सिर्फ कार्स ही कार्स हैं और मैंने जो ऑर्गेनाइज करके रखी हुई हैं एक में स्मॉल कार्स हैं एक में बिग कार्स हैं ऑल सारे मेरे जो टॉयज हैं ना वो सारे कार्स हैं बिकॉज कारिकॉज इज सो सेस्ड विद कार्स उसको सिर्फ गाड़ियाँ ही पसंद है स्पोर्ट्स कार्स <laughs> और इतनी ज़्यादा जो है ना मैंने अभी बेसमेंट में भी रखी हुई हैं करंटली बस वो यही चला रहा है कि जो उसको पसंद होती है वो ऊपर ले आता है और ये बाकी सारी इसमें कार्स हैं तीन बकेट्स हैं जिसमें सारी कार्स हैं ऊपर भी हैं और नीचे भी हैं बस ये सारे बच्चों का स्टफ़ है तो चलते हैं जी बेसमेंट में और ये सीढ़ियाँ जो हैं बेसमेंट में जा रही हैं और हम नीचे जा रहे हैं बेसमेंट इज़ अ फुल ऑफ स्टोरेज जैसे पाकिस्तान में स्टोर्स वगैरह होते हैं इसी तरह मैंने यहाँ पे सो सारी एक्स्ट्रा चीज़ें एक्स्ट्रा टॉयज वैक्यूम जो भी यूज में नहीं है वो मैं नीचे रख देती हूँ और यहाँ आ जाता है मेरा लॉन्ड्री एरिया और ये एक फुल वॉशरूम नीचे है यहाँ ऐसे और ये है सारा लॉन्ड्री एरिया मेरा जहाँ ड्रायर है वॉशर है टाइड है और ये सो जो सारी क्लोज आप देख रहे हैं इसमें सारी जो कूलिंग हीटिंग ये सारा सिस्टम जो होता है इनके अंदर होता है विच इज़ क्वाइट केरी बट मैं इनको बहुत कम खोलती हूँ तो ये मेरा लॉन्ड्री एरिया है और देखें एक्स्ट्रा चीज़ें जो है मैंने यहाँ पर रखी हुई हैं जो बिल्कुल भी यूज में नहीं है ये मेरा बेसमेंट में अटैच होता है ओके okay. सो बेसमेंट इज़ फुल ऑफ स्टोरेज यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है जो दिखा सके जो चीज़ें यूज़ में नहीं है और जो मुझे स्टोर करनी होती हैं तो इसलिए बेसमेंट इज़ फॉर डायट अब मैं जा रही हूँ ऊपर वापस अच्छा जी तो फिर चलते हैं इधर से ऊपर और अगर तक आपने सही नहीं लगा अच्छा जी तो फिर चलते हैं इसके बाद ऊपर और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और फर्स्ट टाइम वीडियो वॉच कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा प्यारा सा कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा सो यू कैन गेट ऑल द नोटिफिकेशन फ़ॉर द फ्यूचर इसके साथ ही जी मैं आ गई ऊपर और ये है ऊपर का सारा पोर्शन वन बेडरूम क्लॉज क्लॉज वॉशरूम और थ्री बेडरूम्स तो सबसे पहले चलते हैं जी इधर तो ये है हमारा गेस्ट रूम क्योंकि समटाइम्स uh, मेरी मदर इन लॉ हमें विज़िट करने के लिए आती हैं तो फिर वो इधर स्टे करती हैं तो ये एक रूम uh, है क्योंकि मैंने लास्ट प्रीवियस वीडियो में चेक किया है सो आई सेड आई थिंक थ्री बेडरूम्स एंड फोर एंड अ हाफ बाथरूम बट नो इट्स अ थ्री बेडरूम्स एंड थ्री एंड अ हाफ बाथरूम्स तो बेसिकली uh, पहले तो इतना स्पेस नहीं था बिकॉज वी वर लिविंग टुगेदर ये है जी यहाँ से सारा बाहर का व्यू तो आई एम नॉट पुटिंग एनी एफर्ट्स टू डेकोरेट द होम सो मच क्योंकि इन हमने भी यहाँ से मूव कर जाना है क्योंकि घर थोड़ा छोटा है और बच्चे अब बड़े हो रहे हैं तो हमें भी थोड़ा मज़ीद स्पेस चाहिए तो वी आर आल्सो लुकिंग फॉर अ बेटर होम एंड बेटर ऑप्शन इन तो मैं कोई एफर्ट्स नहीं डाल रही टू बाय द फर्नीचर टू डेकोरेट मोर अच्छा जी तो ये आगे दूसरा बेडरूम बच्चों ने अपने कारना में किए हुए जिसको पहले तो ये फ्री नहीं था मेरी सिस्टर इन लॉ यूज़ करती थी लेकिन दे रिसेंटली मूव फ्रॉम हेयर तो मेरे पास तो मैंने बच्चों को प्ले एरिया बना दिया यहाँ पे कि बच्चे जब मैं ऊपर काम कर रही होती हूँ तो बच्चे ऊपर प्ले कर रहे होते हैं और जब मैं नीचे कर रही होती हूँ तो फिर वो नीचे और ये आ गई शादी में ओके जी तो ये इधर से बाहर का सारा व्यू है विंडोज़ और ये सारा मैंने इस रूम को जो है ना सारा मैंने प्ले एरिया बना दिया है ताकि आराम से और ये मेरा पीछे ट्राईपोर्ट जिससे मैं वीडियोस वगैरह बनाती हूँ तो ये बच्चों के टॉयज़ हैं उन्होंने ट्रेन ट्रैक भी बनाया हुआ है बोर्ड भी रखा हुआ है लाइक मेरे पास इतना स्पेस नहीं है जितने मेरे पास टॉयज हैं क्या करें बच्चों का बस ना चले तो बस वो टॉयज़ की जो है ना शॉप ही लें और ये आ हाँ गया मेरा क्लोजर जो कि मैंने प्रॉपर ऑर्गेनाइज रखा हुआ है एक तरफ वेस्टर्न है और एक तरफ सारे देसी कपड़े हैं वेस्टर्न थोड़ा ज़्यादा है बट और ये मैंने अंदर बकेट रखी हुई है कि ये मेरी लॉन्ड्री बकेट है और ये मेरा ये मेरा क्लासेट है जो मैं यूज़ करती हूँ तो ये बच्चों का बेसिकली मैंने थोड़ा सा प्ले का सारा सिस्टम यहाँ पे इस रूम में रख दिया है और, और ये हमारा आ गया गेस्ट रूम तो ये जो दोनों रूम हैं वो साथ ही अटैच होते हैं Uh, क्योंकि हमने भी यहाँ से मूव करना है इसीलिए फर्नीचर तो आप बाय कर लेते हैं लेकिन यहाँ पे जो है ना आपने उठाना भी खुद ही होता है यहाँ पे कोई हेल्पिंग हैंड नहीं होता और हेल्पर्स अगर आप ले भी लेना तो वो इतना लेबर यहाँ पे महंगा है ना कि आप एक घर का कमरा खरीद सकते हैं दैट मच द लेबर चार्ज टू तो हेल्प यू इसलिए इन जब हम हाँ अपने नए घर में मूव होंगे तो फिर वहीं पे मैं सारा सेटअप न्यू फर्नीचर सब कुछ मैं वहीं पे बाय करूँगी इनशाला ये बाहर मैंने अपनी लॉन्ड्री बकेट्स रखी रखी हुई है बाथरूम के और ये आ गया जी वॉशरूम जो कि है फुल वॉशरूम है ये और इसके साथ ये टैबट अटैचमेंट है इसकी इस तरह बच्चों ने टॉयज वग़ैरह रखे हुए हैं घर थोड़ा सा पुराना है बट आ, क्योंकि डोंट नो कब का बना हुआ है और मैंने इधर वैक्यूम रखा हुआ है इधर तो ये सारी छोटी छोटी सी क्लाज हैं और एक चीज़ मैं ज़रूर दिखाना चाहूँगी आप लोगों को कि ये जो क्लाजिट है ना ये है मेरा छोटा सा मेडिकल स्टोर यू कैन से कि जहाँ पर मैंने हर मेडिसिन जो है ना वो यहाँ पे रखी हुई है या यू कैन से ये सारी मेडिसन हैं क्योंकि यहाँ पे आप अगर बीमार हो जाते हैं ना तो आप ऐसा नहीं है कि आप फ़ौरन से पाकिस्तान की तरह क्लिनिक पे भाग दें आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है और आई डोंट नो आपको कब की मिले कल की पर, मिले परसों की मिले तो ये सारी जो मैंने मेडिसिन हैं और कुछ कैंडीज़ uh, भी हैं मैंने बच्चों की रखी हुई पेट दर्द की सर दर्द की बुखार की हर चीज़ की मैंने जो है ना मेडिसिन यहाँ पर रखी हुई है कि uh, जल्दी से मैं उनको फर्स्ट एड जो है मैं घर पर दे सकूँ तो ये सारी क्लोज़ेट में मैंने इस तरह ये सब कुछ अरेंज किया तो बेसिकली टू uh, रूम्स ये हैं और ये बाहर का बाथरूम है और ये आ गया साथ में मास्टर तो जी चलते हैं ये है जी मास्टर बेडरूम जो कि uh, मेरा बेडरूम है और ये है यहाँ का मास्टर बेडरूम ये मेरा बेड है और वो मूसा का बेड है मूसा स्लीप्स देयर और ये मेरी छोटी सी टेबल है जिसको मैं थोड़ा सा चीज़ें जो रेगुलर बेसिस की चीज़ें हैं वो यहाँ पर रखी हुई हैं और ये है जी एसी या यहाँ पे ए इस तरह होता है अगर आपको सेपरेटली यूज़ करना है बच्चों ने ऊपर कलर किए हुए पाकिस्तान में तो दूसरे एयर कंडीशन होते हैं यहाँ पे जो सेंट्रल ए होता है वो तो होता ही है लेकिन अगर आपको सेपरेटली चाहिए मज़ीद ठंडा करने के लिए तो इस तरह यहाँ पे होते हैं और मैंने नीचे भी थोड़ा सा एक छोटा मेट्रेस बिछाया हुआ है समटाइम्स बच्चे नीचे बैठ जाते हैं और मैं उनको स्टडी करवाती हूँ या प्ले करते हैं कलरिंग पेंटिंग तो उसके लिए ये ज़रा बच्चों को ईजी रहता है और यहाँ भी दिस इज़ माई रूम इसके इधर टी वी है और ये मेरे रूम की क्लोज़ेट है और ये ये जो है सारी मैंने ऑर्गेनाइज़ की हुई है विद माई हस्बेंड्स क्लॉथ्स जो उनके ये थोड़ा ऑफिस वेयर है सारा और इधर थोड़ा सा कैजुअल वेयर है ये क्लोज़ेट जो है ज़रा काफ़ी डीप है तो ऑफिस वेयर है सारा उनका है लाइक डिफरेंट डिफरेंट कर दिया ताकि आसानी से हर चीज़ उन्हें मिल सके ओके okay. तो जी मास्टर बेडरूम के साथ ही यहाँ पे ना अटैच बात होता है बाकी किसी और रूम के साथ नहीं होता तो ये है मेरा अटैच वॉशरूम जो कि फुल फुल वॉशरूम है लाइक like, सी और टब नहीं है ये वाले वॉशरूम में इसमें छोटी सी उन्होंने जकूसी बनाई हुई है like, लाइक like लाइक दैट तो ये एक ये है सारा सेटअप और इस तरह हम रूम से बाहर जाते हैं और ये सारा रूम का व्यू है तो हमने रूम में सेपरेट ए लगाया हुआ है बाकी और ये मेरा हमिफायर प्योरीफायर चल रहा है और इसी तरह क्योंकि स्पेस कम था सो वी हैव टू मैनेज लाइक दैट दैट्स वाई वी आर लुकिंग फॉर अ बेटर होम इन शाह सोन और ये मैंने साथ में टेबल रखी हुई है क्योंकि अर्जर को मैंने रात में बॉटल बना के देनी होती है तो उसके लिए मैं यहाँ पे बॉटल उसका दूध और सारी चीज़ें मैं यूज़ करती हूँ तो जी ये था मेरा छोटा सा हाउस टूर आपको पसंद आया होगा अगर पसंद आया होगा तो, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा देन अल्लाह हाफिज़